case study is next case study is about politicization of bureaucracy. Let's see what is the case study. Let's read the case study. In a modern democratic polity, there is a concept of political executive and permanent executive. So elected people's representatives form a political executive and bureaucracy forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute this. Definitely we know this. In the initial decades after the independence, relationship between the permanent executive and a political executive were characterized by mutual understanding, respect and cooperation without encroaching upon each other's domain. Kisi bhi prakar ka encroachment nahi tha. But however, subsequent decades mein kya hua, the situation has changed. There are instances of a political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect and appreciation for the upright bureaucrats has declined. जो अपराइट ब्यूरोक्रेट्स है उनके अप्रिसिएशन और उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो कम हो गया है. और देयर इज अ इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू गेट इन्वॉल्वड इन अ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सच एज अ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग एक्सेट्रा. इस तरह का पनिशमेंट टाइप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जो पॉलिटिशियंस है उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरफेरेंस काफी बढ़ गया है इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, पोस्टिंग एक्सेट्रा. इस सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में, देयर इज अ डेफिनेटिव ट्रेंड टुवर्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, दिस इज द कीवर्ड ऑन विच द होल क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग. सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है एंड द राइजिंग ऑफ मटेरियलिज्म एंड एक्विसिटिवनेस इन अ सोशल लाइफ हैज ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड अपॉन द इथिकल वैल्यूज ऑफ बोथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, वी हैव रीड दिस होल केस स्टडी, बट देन द सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. दिस इज द क्वेश्चन. ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. यस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है वो देखते. दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द ब्यूरोक्रेसी शुड रन, दैट इज इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी. ब्यूरोक्रेसी इज नोन फॉर द इम्पार्शियलिटी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड दैट इज द अल्टीमेट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द ब्यूरोक्रेसी मस्ट स्टैंड. बट now because of the politicization of the bureaucracy, this impartial functioning of the bureaucracy, which is essence of the public good, is hampered and that's why it is get affected. Now bureaucrats are not acting impartially, rather they are acting in a partial manner, in a biased manner. So this biasness towards political ideologies and partiality towards particular politicians that is against the public interest, this is one of the grave and very damaging consequences. Dusra ek important cheez ye hai ki politicization of bureaucracy that promotes quasi relationships among the politicians and bureaucrats. Politicians aur bureaucrats ke beech mein quasi relationship jo hai wo build hoti hai aur quasi relationship ki wajah se sweetheart deals usme se outcome ke isme aa jate hain. The outcomes of this quasi relationship are sweetheart deals. Now what is sweetheart deals means what? कि ब्यूरोक्रेट्स आर आस्क्ड बाय द पॉलिटिशियंस टू मेक अरेंजमेंट्स इन द प्रोजेक्ट्स विच बेनिफिट्स द पॉलिटिशियंस. कोई भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते वक्त डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्यूरोक्रेट्स है. तो ब्यूरोक्रेट्स किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते वक्त या एग्जीक्यूट करते वक्त पॉलिटिशियंस उनको कहते हैं कि यू डू दिस इन सच अ मैनर दैट विल बेनिफिट द पॉलिटिशियंस. बट देन डेफिनेटली इफ दैट इज बेनिफिशियल टू पॉलिटिशियन देन दैट विल नॉट बी नेसेसरीली बेनिफिट टू द पब्लिक. सो डेफिनेटली इसमें क्या हो रहा है, जो पावर का जो डिस्क्रेशन दिया है ब्यूरोक्रेट्स को वो उसका वो यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि दे आर फोर्स्ड टू एक्ट इन अ मैनर विच पॉलिटिशियंस आस्क देम टू डू. सो पॉलिटिशियंस में आस्क ब्यूरोक्रेट्स टू डाइवर्ट मोर फंड्स टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फंड अगर आया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मनरेगा के लिए फंड आया है,
तो पॉलिटिशियन बोल सकता है कि पॉलिटिशियन में आस्क अ ब्यूरोक्रेट टू डाइवर्ट मोर एंड मोर फंड टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज देन दैट इज गोइंग टू फेवर हिम, बट देन दैट इज नॉट गुड कंसिडरिंग द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. एंड दैट्स वाई सच नेक्सस अमॉन्ग बोथ इज वेरी डैमेजिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट पोजेस अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इसमें ब्यूरोक्रेट्स जो है दे कैन नॉट टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ऑब्जेक्टिव डिसीजंस बिकॉज हियर दे आर नॉट फ्री टू डिसाइड, दे आर फोर्स्ड टू डिसाइड और प्रोबेबली दे आर इंक्लाइन टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बिकॉज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेसिकली अलाइनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. वेन ब्यूरोक्रेट्स आर अलाइन देमसेल्फ टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देन दे हैव डेफिनेटली सम प्रिजुडाइसेस इन देयर माइंड, एंड वेन देर आर प्रिजुडाइसेस इन द माइंड दैट प्रिजुडाइसेस डज नॉट अलाउ वन टू टेक एक्शन और टू डिसाइड अ मैटर बेस्ड ऑन द मेरिट और ऑब्जेक्टिवली, एंड दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू हैम्पर. सो इन सच अ सिचुएशन ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू लॉस पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन इट. लोगों का जो भरोसा है ट्रस्ट है वो खत्म हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर का. एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट ऑफ ओन पीपल टू द सीनियर पब्लिक सर्विस. दिस इज वेरी डेंजरस. इसमें क्या हो रहा है, जो टॉप के जो ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है या फिर जो गवर्नमेंट इन पावर होता है दे अपॉइंट देयर पीपल ऑन द हाइएस्ट पोजिशन इन द ब्यूरोक्रेसी, एंड दैट्स वाई देन द होल ब्यूरोक्रेसी विच फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सीनियर्स डेफिनेटली दे हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस विच मे नॉट नेसेसरीली गुड फॉर द पीपल, एंड दिस ऑल्सो हैम्पर्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. एंड देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी फोर्सेस ब्यूरोक्रेट्स टू अलाइन देमसेल्फ्स और टू बी कमिटेड टू पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड एसेंशियली ब्यूरोक्रेसी जो है दैट शुड ऑलवेज रिमेन अवे फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट सो दैट दे कैन डिसाइड मैटर्स इन अ इम्पार्शियल वे. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो रिजल्ट इन अ पार्टी लॉयल्टी. फ्यू ब्यूरोक्रेट्स रिमेन लॉयल टू पर्टिकुलर पार्टी एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स रिमेन लॉयल टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड सच अलाइनमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्रिएट्स दैट डिफरेंशिएशन और डिफरेंट व्यूज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑन द सेम इश्यूज, एंड दैट्स वाई देन इट इमर्जेस देर इमर्जेस अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सिविल सर्वेंट्स. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट रिजल्ट्स इनटू द अब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी. प्रोफेशनलाइजेशन नहीं होता है, फेयरनेस नहीं होता है, इम्पार्शियलिटी नहीं होती है, उसके वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो इफिशियंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू इनइफिशियंट एंड इनइफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी. इवन इन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सम अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स दे आर गेट रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल पैट्रोनेज. पॉलिटिकल पैट्रोनेज की वजह से अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी रिक्रूटेड होते हैं और इसके वजह से जो है क्वालिटी जो है सर्विस की वो कॉम्प्रोमाइज होती है. देर इज अ कॉम्प्रोमाइज टू द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज बिकॉज डेफिनेटली दिस अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द पीपल, एंड सच पॉलिटिसाइजेशन इज अ थ्रेटनिंग टू द थाउजेंड्स ऑफ ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स बिकॉज विथ सच पैट्रोनेज टू अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इज डेफिनेटली गोइंग टू डिस्करेज द टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट वन, एंड दैट्स वाई देन इट स्टॉप्स द ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिविल सर्विस, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो डैमेज द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज देन पीपल हु डिजर्व द बेस्ट दे आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज ऑफ सच पॉलिटिसाइजेशन. सो देयर इज देन द पब्लिक सर पब्लिक इंटरेस्ट जो है दैट विल नॉट बी सर्व्ड इन अ बेटर वे बिकॉज इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी इज वेरी एसेंशियल एंड दैट इज नॉट देयर, एंड दैट्स वाई इफ वी हैव टू अचीव अ पब्लिक इंटरेस्ट
or social good in an effective manner, then impartial bureaucracy, neutral bureaucracy is very essential. Then next case study, next is 11th. 11th case study, what does it says? 11th case study. 11th case study. Next case study, 11th case study is mein. In one of the districts, let's read this case study. In one of the districts of a frontier state, narcotics menace has been rampant. This has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling, and near stalling of the education. System is on the verge of the collapse. Situation has been further worsened by the unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing patronage to the drug mafia. At that point of time, woman police officer, known for her skills in handling such situation, is appointed as a superintendent of the police to bring the situation at the normalcy. Now you are the same police officer. You have to identify the various dimensions of the crisis based on your understanding, suggest the measures to deal with the situation. Now this whole case study discuss about money laundering, arms smuggling, these things are going on, and they are at their best, and they have resulted into the collapse of the system, approximately collapse of the system, and even it have resulted into the stalling of the education. There are also cases and unconfirmed reports. This unconfirmed report is very necessary because then we cannot directly take action against the politician without confirming it. So local politicians and some senior police officers, they are involved and they are providing patronage to the drug mafia. There are some unconfirmed reports about this. Now we have to identify the various dimensions of this crisis. This is the first question. इस क्राइसिस के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या है वो पहले आइडेंटिफाई करना है और इस आधार पे बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू सजेस्ट द मेजर्स टू डील विद दिस क्राइसिस. नाउ लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस क्राइसिस. यस, various dimensions of the crisis. First thing is, such crimes like narcotics, arms smuggling, they have a direct impact on the social fabric and on the society at large, because they may have a spillover effect. And then spillover effect means kya hai ki smuggling or narcotics, is tarah ke jo crimes hai wo society mein badhne ke wajah se they pose threat to the social fabric in the society, and then that poses danger to the society in terms of other crimes. Like it may have a spillover effect in the other areas like rape, murder and abuses. So that is there. Then second is, this is one aspect, we can call it a societal aspect of this crisis. Then there is the threat to the internal security, because the crimes like smuggling, they result into lawlessness. इस तरह के जो क्राइम्स है, स्मगलिंग, नार्कोटिक्स, पॉपी फार्मिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन चीजों के वजह से डिसऑर्डर, लॉलेसनेस और सोसाइटी में जो पीस है उसका डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर इट में देर में बी डिस्टर्बेंस टू द पीस इन द सोसाइटी. सो दैट इज बेसिकली अ चैलेंज टू द सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द रीजन. अनदर डायमेंशन ऑफ दिस क्राइसिस इज, देर इज अ वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन, because the childrens are provided with the right to education under article 21 of the Indian constitution, but because of these crimes and because of this disordered situation going on into the region, there is a near stalling of the education system, and through this they have been deprived of their fundamental right to education. That is one of the biggest concern basically. सेकंड जो डायमेंशन है इस क्राइसिस का वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, बिकॉज द वे पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है, दे आर सपोर्टिंग द माफियाज, विच इज
very threatening to the administration because this is a breach of their office. Because their office, they are supposed to work in the interest of the people, in the best interest of the public, and they should uphold the law. They are supposed to uphold the law and uphold the constitutional values. But instead of that, they are violating the same. They are violating the law and constitution, and they are breaching their office. So this is one dimension. Then such support to the crimes by now they are the upholder of the law. They are supposed to maintain law, order and peace in the society. But this is a clear act of commission, means they are doing wrong by supporting mafias. Money laundering से जो इम्पैक्ट होने वाला है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग इज गोइंग टू कॉज इकोनॉमिक डैमेज टू द कंट्रीज इकोनॉमी और द इकोनॉमी ऑफ द रीजन, बिकॉज एंड दैट वी इज गोइंग टू अफेक्ट स्पेसिफिकली टू द पुअर पीपल. मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, दैट कॉजेस दैट इम्पैक्ट दैट रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन, एंड देन पीपल पुअर पीपल मे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट. मशरूमिंग ऑफ पॉपी फार्मिंग, पॉपी फार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है, दैट दैट फोर्सेस दैट कैन फोर्सेस द फार्मर्स टू डाइवर्ट देयर लैंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉपी फार्मिंग, एंड दैट मे अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एंड क्रॉपिंग पैटर्न. दिस इज ऑल्सो ग्रेव कंसर्न. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेन देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पॉलिटिशियन इन सच ए क्राइम्स, सो वी कैनॉट देन वी कैन ऑल्सो से दैट द क्रिमिनल पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू द क्राइम्स. और प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो क्राइम्स है वो खुद भी कर रहे हो. तो इसे हम कह सकते हैं गुंडा राज या फिर माफिया राज जिसे हम कहते हैं. सो दैट मे क्रिएट एंड दैट हैव अ पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होना, ये जो फेनोमेना है, दैट हैव अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं. बींग अ पोलिस ऑफिसर, फर्स्ट थिंग, काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें यूज करना पड़ेगा. हम डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते किसी भी चीज के लिए जब तक कि हम हर चीज को कंफर्म नहीं करते. सो वी विल हैव टू फर्स्ट होल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल पर्सन, जो भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, बिकॉज यू एज अ पोलिस ऑफिसर बी न्यूली अपॉइंटेड हियर एंड यू आर प्रोबेबली नॉट अवेयर कंप्लीटली ऑफ द सिचुएशन. सो यू नीड टू फर्स्ट बेटर असेस द होल सिचुएशन, बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन इन अ प्रॉपर वे यू नीड टू गैदर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस फ्रॉम ऑल एजेंसीज एंड यूर और जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे जो डिपार्टमेंट में पुराने ऑफिसर से, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड बाय होल्डिंग द मीटिंग. देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट माफियाज इमीडिएटली. जैसे ही हमें कंफर्म हो जाता है बाय द इंटेलिजेंस एंड एविडेंसेस एंड रिपोर्ट्स, जैसे ही हमें कंफर्म हो जाता है, एज सून एज वी गेट कंफर्मेशन, वी विल टेक आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट द माफियाज इमीजिएटली. ओके, तो ये हो गया. देन आई विल ऑल्सो टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, वी विल ऑल्सो हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्मगलिंग. स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जो चल रहा है उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए रीजन से, और वो जो रीजन जिसमें आप पुलिस ऑफिसर हो वो रीजन को क्राइम फ्री करने के लिए आपको पूरी तरह से ये एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारे जो क्राइम्स हैं उनको खत्म करने के लिए या उनके अगेंस्ट. देन थर्ड इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप शुड बी वी शुड टेक ऑल इफर्ट्स इमीडिएटली टू ब्रिंग सिचुएशन एट द नॉर्मल सी. ये काफी जरूरी है क्योंकि सिचुएशन में काफी जो सोसाइटी में जो रीजन में ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हुआ है, पीस डिस्टर्ब हुआ है, और उसके वजह से सिचुएशन को नॉर्मल सी में लाना ये बहुत जरूरी है. सो दैट यू कैन क्रिएट अ फेवरेबल कंडीशन टू रीओपन द एजुकेशन एंड स्कूल्स, स्कूल्स वगैरह एजुकेशन हो और बच्चों को स्कूल में जाने के लिए हेल्प हो. इसके लिए सिचुएशन को नॉर्मल सी में लाना ये एक इमीडिएट नेसेसिटी है जो हमें करनी चाहिए. देन ये हो गया एक पार्ट इस केस स्टडी का. दूसरा पार्ट है कि वी विल हैव टू गो फॉर अ डिटेल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अबाउट सस्पिशियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पॉलिटिशियंस एंड सपोर्ट ऑफ सम पुलिस ऑफिसर्स टू माफियाज. माफियाज को जो पुलिस ऑफिसर सपोर्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, उनके बारे में डिटेल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, बिकॉज वी हैड सम अनकन्फर्म रिपोर्ट्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट अनकन्फर्म रिपोर्ट्स वॉज अ वर्ड यूज देयर. तो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थे वो हमें इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी करके उसको कंफर्म करना है, उसके एविडेंस जमा करना है, और जैसे ही हमें एविडेंस मिलते हैं, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है, हमने
उस अकॉर्डिंगली पनिशमेंट देनी है, जो भी लॉ में प्रोविजन है उस हिसाब से हमें पॉलिटिशियंस हो या फिर जो भी ऑफिसर्स हो, जो भी इन्वॉल्व है, वी हैव टू पनिश देम. नाउ दिस हैज बीन अ पार्ट टू डील विद द सिचुएशन. नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स विच वी विल टेक टू एंश्योर दैट दीज थिंग्स डू नॉट रिपीट इन द फ्यूचर. तो नेक्स्ट थिंग वी विल हैव टू डू इज हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए. वी विल हैव टू इनिशिएट सम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स टू मेक पीपल और सिटीजन्स अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ सच क्राइम्स. ये जो क्राइम्स है इनको, इनका जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में इनका एक्सेप्टेंस के बिना ये काम नहीं चल सकता जब तक कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. तो सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस है इन चीजों के तरफ वो खत्म करने के लिए, टू रिड्यूस एंड टू रिमूव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ सच क्राइम्स इन टू द सोसाइटी, वी हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ सच क्राइम्स. एंड एस्पेशली वी विल हैव टू फोकस ऑन द यूथ, कंसिडरिंग द इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री. वी विल हैव टू फोकस ऑन यूथ बिकॉज यूथ आर वेरी वल्नरेबल एंड वी हैव टू प्रोवाइड काउंसिलिंग टू देम एंड वी हैव टू टेक दीज यूथ आउट ऑफ सच क्राइम्स एंड नॉट एंड क्रिएट सच सिचुएशन वेयर यूथ विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू सच क्राइम्स. ठीक है. एंड और हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा सिचुएशन को. इस तरह के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमें इस्टेब्लिश करना है. वी विल हैव टू क्रिएट सच मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन टू द रीजन विच कंटिन्यूअसली मॉनिटर एनी पॉसिबल इरप्शन और इनिशिएट और बिगिनिंग ऑफ सच एक्ट्स अगेन एंड सो दैट वी कैन स्टॉप देम इमीडिएटली और वी शुड अलाउ देम नॉट टू स्टार्ट अगेन. एंड फाइनली वी विल हैव टू टेक ऑल सच एफर्ट्स टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द क्रिमिनल्स. हमें फाइनली ऐसी सारी चीजें करनी है जो डिफिकल्ट क्रिमिनल्स को ये सब जो क्राइम्स कंटिन्यू करने में डिफिकल्टी क्रिएट करेगी या विच विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिमेन फर्म इन द रीजन एंड टू कंटिन्यू विथ सच क्राइम्स. ठीक है. नाउ ये हो गया एक केस स्टडी. नाउ द लास्ट वन इज अब लास्ट लास्ट केस स्टडी है. लास्ट केस स्टडी में आई रीड दिस केस स्टडी. इन अ रिसेंट टाइम्स देर हैज बीन एन इंक्रीजिंग कंसर्न इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स देर हैज बीन एन इंक्रीजिंग कंसर्न इन इंडिया टू डेवलप इफेक्टिव सिविल सर्विस इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी सिस्टम्स एट द एंटी करप्शन एजेंसीज. इन अ व्यू ऑफ दिस देर इज अ नीड बीइंग फेल्ट टू फोकस ऑन थ्री स्पेसिफिक एरियाज विच आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनलाइजिंग इंटीग्रिटी एंड इथिक्स. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनलाइजिंग इथिक्स एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. नाउ दीज थ्री चैलेंजेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट्स टू इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंटीग्रिटी इन द सिविल सर्विस. सेकंड, स्ट्रेंथनिंग द इथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द सिविल सर्विस. एंड थर्ड इज डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विच प्रमोट इथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी इन द सिविल सर्विस. हमें ऐसे इंस्टीट्यूशनल मेजर सजेस्ट करने जो ये तीनों चैलेंजेस को एड्रेस करें. पहला चैलेंज जो है कि वॉट थ्रेट्स आर देयर टू द इथिकल स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू एंटिसिपेट देम एंड एंटिसिपेटिंग देम इज अ चैलेंज. नाउ हाउ वॉट हाउ टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ एंटिसिपेशन दैट वी विल हैव टू सी सो दैट वी कैन डू. यस सो एंटिसिपेटिंग दिस स्पेसिफिक थ्रेट्स टू इथिकल स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी डन बाय फर्स्ट वी विल हैव टू इंक्रीज द विजिलेंस, वी विल हैव टू इंप्रूव द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. सेकंड इज वी कैन क्रिएट इंटीग्रिटी इंडेक्स और इंटीग्रिटी पैक्ट. इवन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सजेस्ट दिस. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट अ मैप और इंडेक्स ऑफ ऑनेस्ट और ऑफिसर्स विद द हाइस्ट इंटीग्रिटी एंड वी कैन क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु आर ऑफ पजेसिंग हाइस्ट इंटीग्रिटी. देन वन ऑफ द थ्रेट इन एंटिसिपेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स के पास बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकोगनाइज
that what may go wrong or how they can violate the ethical norms or ethical framework. The ethical framework है उसको कैसे वो violate करेंगे because of there is a concentration of power, there is a power asymmetry and this unquestionable power makes them to behave in an unethical manner. But then something which is unethical in their behavior, that is not necessarily legally wrong. And that's why even ARC report identifies such things which are ethically wrong but not legally wrong. Okay. And this is making it difficult to anticipate. ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या actions, क्या threats है ethical standards को. दूसरा है discretionary power. Now, for example, let's say कि civil servant को जो discretionary power है, अब उसने वो discretionary power का use किया, so he can use it in any way, and you cannot question him because discretion is given to him. Being a civil servant acting in that position, and he can use his discretion in a manner which favors to the people to whom he wants, but then we cannot recognize it is difficult to find it. So this is one of the threat to identify the ethical the threats to the ethical standards. Isko address karne ke liye hum wahi kar sakte hain, ek to discretion reduce kar sakte hain, डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको कम कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर भी कम कर सकते हैं. एंड हाउ वी कैन डू इट, वी कैन डू इट बाय इम्प्रूविंग, बाय इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कंडक्ट और इन द ऑपरेशंस. इवन डेफिनेटली व्हेन यू होल्ड अकाउंटेबल टू द पब्लिक सर्वेंट, ही विल फॉलो द राइट प्रोसीजर एंड देन ही विल ऑल्सो यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर इन अ रैशनल वे. एंड व्हेन यू होल्ड दैट पर्सन लायबल ऑफ liable to pay damages, even second ARC requirements that prevention of corruption act should be amended to hold the public servant liable to pay damages, जिसके वजह से उन्होंने किए हुए जो act है उसके वजह से जो नुकसान हुआ है उसके damages जो है उसको pay करने के लिए. But ये अभी तक हुआ नहीं है, but that can be done to ensure that the public civil servants do not, means it does not become difficult for us to fight, to anticipate the threats to the ethical standards. तो ethical standards को जो threats है वो difficult नहीं होगा अगर हम civil servants को liable रखेंगे उनके damages के लिए, उन्होंने किए हुए damages के लिए. Second जो है इसमें ethical competence civil servants में strengthen करने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या threats है. First thing what we can do, ethical जो training है, training में ethical values के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है. जो उनका जो सिविल सर्वेंट्स का जो कंडक्ट है उसको सुपरवाइज करना और सरप्राइज विजिट्स एंड मॉनिटरिंग करना ये इम्पोर्टेंट है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज ऑलरेडी देयर, दैट शुड बी स्ट्रेंथन टू मॉनिटर ऑल द एक्शंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स सो दैट दे एक्ट इन अ इथिकल वे एंड दे अपहोल्ड द इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. लोकपाल इज ऑलरेडी देयर, दैट ऑल्सो शुड बी स्ट्रेंथन बिकॉज सी देर आर टू थिंग्स, वर्च्यू इथिक्स and rule based ethics. So people can be made to act in ethical manner by implementing strict rules along with the good ethical, promoting good ethical values at the time of training. And also procedural integrity jo hai, transparency promote karke jo procedural integrity hai, ye teen cheeze karke, ethical values training mein promote karke, dusra प्रोसीजरल इंटीग्रिटी करके, जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ओपननेस बढ़ा के प्रोसीजर्स में, जिसको प्रोबिटी ऑफ इन गवर्नेंस कहते हैं. और थर्ड जो है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, लोकपाल विजिलेंस इससे भी, और जो मॉडर्न टेक्निक्स है सुपरविजन के वो ला के, जैसे सीसीटीवी कैमराज एक्सेट्रा, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है और सुपरविजन, कंटिन्यू सुपरविजन और मॉनिटरिंग, इससे भी हम और रूल बेस्ड इथिक्स को कंटिन्यूसली कॉम्प्लाई करा के सिविल सर्वेंट शुड बी एनफोर्स्ड, सिविल सर्वेंट शुड बी फोर्स्ड टू फॉलो द इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज दैट रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग विल डेफिनेटली रिमूव सच इनकन्सिस्टेंसीज इन देयर इथिकल बिहेवियर विच में अराइज. एंड देन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द थिंग जिसमें दैट कैन ऑल्सो हेल्प. एंड देन द लास्ट इज
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जो है और प्रैक्टिसेस जो है, यू कैन राइट दिस, इसमें इथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी कैसे प्रमोट की जा सकती है. पहला तो थ्रेट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इज नॉट रेडी टू द चेंजेस एंड दैट इज देयर, दैट इज बिकमिंग अ हिंड्रेंस टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड दैट्स व्हाई दैट इज कैरिंग द ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड of not changing and that bureaucratic processes which promote the delays, harassment, etc. and which ultimately promotes the corruption. So all the procedures जो promote करते हैं वो monitor करके उन्हें remove करना and then by empowering citizens through citizen charter, RTI and then participating the people in the decision making and multiple stakeholders. So these all things can be these all measures can be taken to improve the ethical competence and ethical values and integrity in the administrative procedures. So thank you very much, and I hope this will help you, not completely, but to give you a broad picture, a bird's eye view of this UPSC Civil Service Ethics paper. Thank you very much.